मैं सोच रही थी कि ये बाजी जो है ना इस वजीर आजम की कुर्सी से उठे तो मैं बैठ जाऊँ। अच्छा, और कैमल राइडिंग का एक अपना ही मजा है, चाहे वो ओरिजिनल में और चाहे वो जो कोई झील हो। खाने को लगी थी भूख तो फिर हमने क्या किया, पंजाब टिक्के वालों की जो है ना रेशमी बोटी वो खाई। वो इस तरह खाई कि मेरे भाई ने कर दी हमारी दावत और फिर उसने हमें खिला दी पंजाब टिक्के वालों की रेशमी बोटी। और इनकी इतनी मशहूर है और इतने मजे की होती है ना ये रेशमी बोटी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? होप तो आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ईद के बाद मजे में होंगे क्योंकि हमने तो संडे तक किए मजे ही मजे, संडे और फंडे। और ये था संडे का दिन, ये संडे के शूट है। हम इधर जा रहे थे अपने बच्चे की मेडिसिन लेने और यकीन माने हमने कोई 1700 वो कहते हैं ना मेडिकल स्टोर घूमे फिरे। और मेडिसिन थी कि कहती थी मैंने नहीं मिलना, और मैं ये घर वाली जूती पहन के, मैं इसलिए ये थोड़ा सा अपनी जूती पे कैप्चर कर रही थी कि मैं ये घर वाली जूती पहन के ही आ गई, ना मैंने कोई जूती वगैरह चेंज की, अबाया पहना और आ गए। और यकीन माने आधी रात की सड़कों पर हम ऐसे, मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, हवा भी चल रही थी और हम बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। और इतना कोई हम फिरे हैं, हम तकरीबन 8 बजे के गए हुए और मुझे लगता है 10-12 बजे वापस आए हैं। हर मेडिकल स्टोर घूम लिया और मेरे बेटे की मेडिसिन नहीं मिली क्योंकि उसका हार्ट का मसला था, उसकी मेडिसिन हर टाइम अवेल होना ज़रूरी होता है और वो मेडिसिन थी शॉर्ट। वो कहते थे मेडिसिन जिस मेडिकल स्टोर से पूछा वो ही मेडिकल स्टोर वाले कह रहे थे मेडिसिन नहीं है। खैर घूमते फिरते फिराते फिर आखिर हम वापसी को आए। वापसी को फिर हमने पंजाब टिक्का वालों का ये खाई रेशमी बोटी और बहुत मजे की, लेकिन नान थे कि बहुत ज्यादा स्पाइसी और मिर्चों की तूरी। और खाना खा के फारिग होकर तो फिर हम चले गए घरों को। घरों पर मतलब ये हम बैठे हुए मम्मा की तरफ और उधर ही हमने खाना खाया। और कुछ दिन जैसे कि मैंने बताया ईद के दिन हमारे गुजरते ही मम्मा की तरफ है, तो अपने घर तो कोई हांडी रोटी का सीन ही नहीं चलता ना, मम्मा की तरफ ही, क्योंकि कभी भाई दावत दे दे कभी मम्मा, कुछ यही सीन चलता रहता है। खैर इधर हमने मजे की करीमी वो खाई रेशमी बोटी विथ स्पाइसी नान और मिर्चों की तूरी। और खाने के बाद एंजॉय करने के बाद और हम आ गए घर, क्योंकि ये मैंने 2 दिन के मिक्स करके मैंने वीडियो एडिट करके और व्लॉग शूट किए हैं। और इधर चल रहा था खाने का कुछ सीन, इंजॉय करते कराते ही हम लोगों का खाना हो गया एकदम, क्योंकि ये मेरे भाई ने हमारी दावत की थी और उसी ने हमें खाना खिलाया था। मतलब मेरा जो बड़ा भाई मुझसे छोटा ही है क्योंकि मैं खुद सबसे बड़ी हूँ। और ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि बच्चों का बन गया था प्लान के हमें प्ले एरिया में लेके जाओ। मुझे लगता है कि ना बच्चों को इनडोर के बजाय ना आउटडोर एक्टिविटी में, आउटडोर गेम्स में अगर हम लेके जाएं तो वो इससे ही होता है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और वैसे भी आउटडोर एक्टिविटी जो होती है ना बच्चे के लिए कहते हैं हेल्दी रहता है। और आउटडोर में वैसे तो मतलब आउटडोर में अगर हम बात करें पार्क वगैरह तो मुझे लगता है उधर लेके जाना चाहिए बच्चों का, इससे है इनमें बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और इधर मेरे दोनों छोटी तो रेडी थी जाने के लिए, लेकिन बड़ी का कोई था नहीं कि प्लान नहीं बन रहा था। वो कहती मुझे नानो घर, वो कहीं इधर उधर जाने के बजाय नानो घर रहना ज्यादा प्रेफर करती है। खैर उसको तो अगर आ भी जाती तो हमने बाइक पे पूरे भी नहीं आना था, क्योंकि आ गई हम खुद ही फंस फंसा कर बैठे, लेकिन बैठ जरूर गए क्योंकि सब तो स्मार्ट स्मार्ट हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग लगता करती हूँ और वेट मेरा जाता है भर और उसको करना नहीं होता है मैंने काम। और इधर हम फंस फंसा के बैठ गए थे और इतने भी नहीं बस, लेकिन अभी भी शॉप सारी प्रॉपर ओपन बल्कि हुई भी नहीं है। देखे मैं ये लाइटिंग डे टाइम है जब मैं, और ये इधर कोई है चन्ना प्लेलैंड, हम इधर आए मैंने, क्योंकि अब ये वॉइस ओवर करते हुए पड़ा। और ये जो वजीर आजम की कुर्सी है ना मेरी उतरते नजर पड़ी, मैं कहा ये बाजी साहिबा उठे
और मैं इस कुर्सी पर बैठूं अपने बेटे को लेकर, क्योंकि मेरा बेटा सो गया हुआ था मेरी गोदी में, और मैं बड़ी मुश्किल से मुझे मिल ही गई, और मैं ये देखे मैं चेयर पर बैठ के फतह हासिल कर ली। और मैं अपने मियाँ को कहती मेरी वीडियो बस बनाना बंद करें और बच्चों को एंजॉय करें। और इधर बच्चे मतलब इधर ये होता है कि टोकन लो और इसमें डालो और बच्चे प्ले करें और एंजॉय करें। बच्चों के छोटे छोटे ये जो जापानी झूले होते हैं, पता नहीं जापानी होते हैं चाइनीज होते हैं जो भी, इधर खैर बच्चों ने किया खूब इंजॉय। हस्बैंड मेरे ले आए टोकन उधर से रिसेप्शन से, और था मतलब इतना मैं कहती हूँ कोई रीजन। खैर बच्चों ने फिर किया खूब इंजॉय, और हम बच्चों को बस सीन वगैरह कैप्चर करने में मसरूफ, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, ये संडे का दिन का था शूट, और संडे को वैसे भी आमतौर पर भी रश होता, और वैसे भी ये ईद की जो छुट्टियाँ हैं तो इस वजह से खूब रश था। और बच्चों ने बारी बारी करके सारे एक एक करके गाड़ी कैमल ये वो मतलब कार और झूले लिए, और मैंने कुछ आगे और पीछे करके ये वीडियो के शूट एडिट कर दिए हुए, और मैंने ये देखा भी वॉइस ओवर के टाइम में। इसके बाद ये इनका एक प्ले एरिया बना हुआ था छोटा सा, और उधर बच्चों ने खेला। वही बात ना, बच्चों का अगर इंडोर जाओ आउटडोर एक्टिविटी में लेके जाएं तो बच्चे के लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और बच्चे जाहिर अब खेलने कूदेंगे तो थोड़ी एनर्जी वगैरह बूस्ट करती है और एनर्जी लेवल पैदा होता है। और वैसे भी कहते हैं ना बच्चे की हाइट वगैरह अगर कोई इशू हो ना तो ये जंपिंग जैक वगैरह ये इन चीज़ों पर अगर बच्चों को एक्टिविटी में अगर हिस्सा दिलवाया जाए ना, हिस्सा मतलब पार्टिसिपेट, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली में कई लोग ऐसे होंगे मुझे कहते होंगे कि इसके तो बोलना ही नहीं आता, इसलिए मैंने इस जरा ना बात को रिपीट करती हूँ। इधर बच्चे कर रहे थे इंजॉय और वो करते ही रहेंगे इंजॉय, क्योंकि उन्हें एक छोर दूसरा ये टोकनों के साथ बस उन्हें बस झूले चालू किए हुए थे, चालू मतलब चिल्लाए हुए थे, और बच्चे फन पे फन कर रहे थे, और बस मैं बैठ के अपने बेटे को गोद में लेके बैठी हुई थी क्योंकि वो सोया हुआ था। खैर यहाँ पर मैं यही था बस आज दो दिन की एक्टिविटी, क्योंकि संडे के बाद और ईद के बाद बस दोबारा रूटीन लाइफ पे आना ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए कि रोजे में सहरी टाइम अफ्तारी टाइम उठो और रूटीन बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है, और फौरन ईद के बाद फिर रूटीन को दोबारा बैलेंस करना थोड़ा मुझे तो खुद को पर्सनली लगता है कि बड़ा मुश्किल टफ काम है। खैर इंजॉय करते कराते हमारा यहीं पे हो गया था दिन ख़त्म, और क्योंकि काफ़ी टाइम बच्चों ने काफ़ी टाइम ज़्यादा इंजॉय किया, 3-4 घंटे तो रहे होंगे हम इधर, और इंजॉय करने के बाद खूब थक हार कर फिर हम जा रहे थे घर को वापस। और ये थी मेरी आज तक की वीडियो। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है। और हाँ, अगर आप लोगों को कुछ लगे कि मेरी मतलब वीडियो में कोई बात करने में या वीडियो एडिटिंग में कुछ वगैरह प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताया करें, यह है कि मैं सही करने की उसको कोशिश करूँगी। और बस यही थी मेरी आज तक वीडियो, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त और अल्लाह हाफिज़। नहीं बदल सकती है, ऐसा लगता है कहीं मेंटली वो है कि शायद मैं उतर जाऊं।